सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की करीब 2600 अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एनबीसीसी और घर खरीदारों को सुझाव देने के लिए कहा है। वहीं एनबीसीसी इस बारे में स्कीम पेश करने के लिए कह रहा है। वहीं साथ ही शीर्ष अदालत ने बैंक में एक खाता खोलने के लिए कहा है जहां घर खरीदार बकाया राशि जमा कर सकेंगे। वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने बुधवार को बैंक लोन के जरिए घर खरीदने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके लंबित लोन को कैसे जारी किया जा सकता है। इसके लिए खरीदार बकाया रकम का भुगतान कर सके। वास्तव में सुनवाई के दौरान पीठ को जानकारी दी गई थी कि बैंक फंड रिलीज नहीं कर रहा है। वहीं आम्रपाली की अभी भी 2300 करोड़ की संपत्ति बेची जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर से कहा है कि उन खरीदारों की लिस्ट कोर्ट रिसीवर को साझा करें जिससे इस बात का जिक्र हो कि किसके पास कितना बकाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर और रायपुर के राजस्व अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आम्रपाली ने जमीन खरीदने के लिए कितने पैसे जमा कराए थे। और अधिक बातचीत करने के लिए अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, आम्रपाली की 2300 करोड़ की अनसोल्ड जमीन के बारे में कोर्ट ने सुझाव दिया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अमित, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमित, एससी ने मांगे आम्रपाली के रिपोर्ट में, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बताते चले कि एनबीसीसी स्कीम पेश करने के लिए एससी ने आदेश जारी किया। एससी ने एनबीसीसी से मांगा सुझाव। वहीं अभी बाकी आम्रपाली की 2300 करोड़ की बिक्री होना। तो अभी बाकी है आम्रपाली के 2300 करोड़ की अनसोल्ड प्रॉपर्टी। एमबीसीसी स्कीम पेश करने के लिए अभी आदेश जारी किया गया है। वहीं फॉरेंसिक ऑडिटर्स को खरीदने की लिस्ट कोर्ट रिसीवर को साझा करने को भी कहा है जिसमें इस बात का जिक्र है कि किसके पास कितना बकाया है। वैसी ने मांगे हैं आम्रपाली से रिपोर्ट।